महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के छोटे पुल पर केदारेश्वर मंदिर के पास पृथुकेश्वर महादेव 84 महादेवों में 49वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार स्वयंभू मनु के वंश में अंग नाम का राजा हुआ। उसने यमराज की कन्या दुर्मुखा से विवाह किया। उनके एक पापी पुत्र वेन हुआ। ब्राह्मणों के शाप से वेन की मृत्यु हो गई। वेन की जंगा के मंथन से उसकी माँ के अंश से मल्लेच्छ जातियाँ उत्पन्न हुई। उनके दाहिने हाथ के मंथन से पिता के अंश से पृथु उत्पन्न हुआ। पृथु ने विष्णु की पूजा की और वह राजा हो गया। संसार में उसने प्रजा को दुखी देखा। उसने तीनों लोकों का दोहन करना चाहा। उस समय नारद जी वहां आ गए। नारद जी ने उनके कोप को शांत किया। तब उसने पृथ्वी को दोहन करने के लिए अग्निबाण चलाया। इससे त्रस्त होकर पृथ्वी गाय बनकर पृथु के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने पृथु से कहा, गाय अवध्य है, आप हिमालय को वत्स बनाकर मुझे दुहें और इच्छित वस्तु प्राप्त करें। राजा ने गो रूप पृथ्वी का दोहन किया और प्रजा सुखी हो गई। तब राजा ने मन में विचार किया कि स्त्री ब्राह्मण और गाय अवध्य हैं। मैंने गाय रूपी पृथ्वी का हनन करने की सोचकर पाप किया है। यह सोचकर उसने अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया। तब फिर से नारद जी वहां उपस्थित हो गए। राजा की चिंता देखकर उन्होंने समझाया कि महाकाल वन में अभयेश्वर के पश्चिम में महापाप को दूर करने वाला एक लिंग है, आप उसकी पूजा कर पवित्र हो जाएंगे। पृथु ने वहां जाकर उस लिंग की पूजा की। इससे वह ब्रह्म हत्या के पाप से दूर होकर आदित्य के समान तेजस्वी हो गया। तब से यह लिंग पृथुकेश्वर कहलाया। पृथुकेश्वर के दर्शन पूजन से सब प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।